हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाते रहिए। आज हम बात करेंगे जीवित पुत्रिका या जीवुतिया व्रत की, जो इस वर्ष 29 सितंबर दिन बुधवार को है। माँ अपने पुत्र की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना से ये व्रत करती हैं। ये व्रत विशेषकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। तीज की तरह ये व्रत भी अत्यंत ही कठिन माना जाता है। ये व्रत क्यों किया जाता है और इस व्रत से कौन सी कथा जुड़ी है, ये सब जानने से पहले जानते हैं कि ये व्रत कैसे किया जाता है। जीवित पुत्रिका या जीवुतिया का व्रत 3 दिनों का होता है। मुख्य व्रत आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। उससे 1 दिन पहले नहाय खाय होता है, जिसमें विशेष भोजन किया जाता है। नहाय खाय के दिन माताएं पवित्र नदियों में स्नान करती हैं, आस्था और श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करती हैं और फिर पहले आहार के रूप में व्रती माताएं मड़ुआ के आटे की रोटी, सतपुतिया की सब्जी और नोनी का साग ग्रहण करती हैं। नहाए खाए के दिन शाम को माताएं पूरे घर के लिए पकवान बनाती हैं, जिसमें मुख्य रूप से गुजिया, पुआ, पूड़ी, ठेकुआ आदि बनाया जाता है। रात में भोजन के रूप में यही पकवान खाया जाता है। अगले दिन यानी आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मुख्य व्रत होता है। इस दिन व्रती माताएं निर्जला व्रत करती हैं। पवित्र नदियों में स्नान और पूजा पाठ के बाद सायंकाल में जीमूत वाहन की पूजा की जाती है और कथा सुनी जाती है। व्रत के अंतिम दिन यानी आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। पारण के दिन कई जगहों पर चने की सब्जी और चावल विशेष रूप से बनाया जाता है। इसके अलावा कढ़ी, दही बड़े और भजिया भी बनाई जाती है, साथ ही कंदा की सब्जी भी जरूर बनाई जाती है। यहाँ ये ध्यान रखना आवश्यक है कि अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद यानी नौमी तिथि में ही पारण करना चाहिए। दिनांक 29 सितंबर दिन बुधवार को दिन में 4:54 तक अष्टमी तिथि है, इसलिए व्रती माताएं अगले दिन जब चाहें तब पारण कर सकती हैं। जीवुतिया का पर्व हमारी लोक संस्कृति से जुड़ा है, लेकिन इसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जीमूत वाहन नाम के बड़े ही उदार और परोपकारी गंधर्व राजकुमार थे। उनके पिता ने वन जाने से पहले जीमूत वाहन को राज्यपाट सौंप दिया, परंतु जीमूत वाहन का मन राजकाज में नहीं लगा। जीमूत वाहन ने अपना राज्य अपने भाइयों को सौंप दिया और स्वयं वन जाकर पिता की सेवा में लग गए। वहीं पर उनका मलयवती नामक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जंगल में भ्रमण करने के दौरान जीमूत वाहन ने एक स्त्री को रोते हुए देखा। जीमूत वाहन ने उस स्त्री से रोने का कारण पूछा। उस स्त्री ने बताया कि वो नागवंश की है और उनकी एक ही संतान है। स्त्री ने बताया कि पक्षीराज गरुड़ के भोजन के लिए प्रतिदिन एक नाग को जाना पड़ता है और आज उसके पुत्र शंखचूड़ को गरुड़ का भोजन बनना है। जीमूत वाहन ने उस स्त्री को आश्वस्त किया और कहा, डरो मत, तुम्हारे पुत्र की जगह मैं गरुड़ के भोजन के रूप में जाऊंगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया। वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में पड़े प्राणी की आंखों से आंसू और मुंह से आह निकलता न देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा।
जिमूत वाहन ने सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी वीरता और दूसरे की प्राण रक्षा में स्वयं का बलिदान देने की भावना से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने जिमूत वाहन को जीवन दान दे दिया, साथ ही भविष्य में नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। गरुड़ जी ने जिमूत वाहन से कहा कि जो स्त्री तुम्हारा पूजन करेगी उसकी संतान दीर्घायु होगी और उसे सभी सुख प्राप्त होंगे। इस प्रकार जिमूत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जिमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। चलिए अब जान लेते हैं कि जिउतिया व्रत का महत्व क्या है। जिउतिया का कठिन व्रत अत्यंत ही महत्वपूर्ण और फलदायक है। जो स्त्री आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निराहार व्रत रहती है और सायंकाल में जिमूत वाहन की पूजा करती है और कथा सुनती है, उसकी संतान दीर्घायु और सभी सुखों को प्राप्त करती है। धर्म और संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल ग्रह गोचर।